भारतीय प्रशासनिक सेवा से अधिकारी डॉक्टर निपुल जिंदल ने बुधवार देर रात धर्मशाला में डीसी कांगड़ा का पदभार ग्रहण कर लिया है। इससे पहले डॉक्टर निपुल जिंदल हमीरपुर, रामपुर और शिमला में भी विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उपायुक्त डॉक्टर निपुल जिंदल ने कहा कि राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को सुचारू क्रियान्वयन उनकी प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा। डॉक्टर जिंदल ने कहा कि कांगड़ा जिला में देश के तीन प्रमुख शक्तिपीठ ज्वालाजी, चामुंडा और ब्रजेश्वरी धाम है। इन मंदिरों में व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने का उचित कदम उठाए जाएंगे, साथ ही कंप्यूटरीकरण पर भी जोर दिया जाएगा ताकि पारदर्शिता बनी रहे। उन्होंने कहा कि राजस्व मामलों में त्वरित निदान के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे तथा लंबित मामलों के लिए शीघ्र निपटान के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। उपायुक्त ने कहा कि ग्रामीण स्तर पर पंचवटी पार्कों के निर्माण तथा खेल मैदानों को विकसित करने का प्लान भी तैयार किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आज मैंने अपना जो पदभार है यहाँ पे जिलाधीश कांगड़ा का, वो ग्रहण किया है। और ये सबको पता है कि पिछले 1.5 वर्ष से पूरा देश और पूरा प्रदेश कोरोना के जो ये पैंडमिक है, इससे जूझ रहा है। तो इसमें नेचुरली जो हमारी प्रायोरिटीज़ हैं वो भी डिफरेंट हो गई हैं। अपना जो हेल्थ सेक्टर की तरफ जो एक फोकस है वो पिछले 1-2 साल के अंदर देखा गया है। तो इस दौरान जब तक ये जो अपना जो कार्यभार है मेरे पास, यही कोशिश रहेगी कि जो जो सरकार की योजनाएं हैं वो जनमानस तक पहुंचे, आम जनता तक पहुंचे, और जो उनकी शिकायतें हैं, किसी भी प्रकार की उनकी ग्रीवेंसेस हैं, उनका टाइमली जो निपटारा हो और उनकी संतुष्टि के साथ उनका निपटारा हो। और जितना भी जो ये हम अपना थर्ड वेव की भी बात कर रहे हैं, इसके बारे में भी जो ज़िले के अंदर जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको हम टाइमली सुनिश्चित करें ताकि उनके इफेक्ट्स को भी मिटिगेट कर सकें। और इसके अतिरिक्त जितने अन्य विभाग हैं उनकी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो अपना अच्छे से इम्प्लीमेंट हो और उनका जो फ़ायदा लास्ट माइल बेनिफिशियरी तक पहुंचे, यही कोशिश रहेगी।